नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिश्नौर के धामपुर की, जहां भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला उपाध्यक्ष हरिराज सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने धामपुर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि भारतीय भानुगुट के कार्यकर्ताओं ने गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने और गन्ना मूल्य न बढ़ाने की स्थिति में गन्ना मंत्री का इस्तीफा दिए जाने, गन्ना समिति में किसानों के हिस्से का ब्याज दिए जाने, गन्ना जल जाने पर पुलिस को सूचना देनी बंद कर पूर्व की भांति गन्ना पर्ची दिए जाने, छोटे किसानों की पर्ची 200 क्विंटल पैदावार पर लगाए जाने, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाए जाने और आवारा पशुओं द्वारा किए जा रहे किसानों की फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाकियो के जिला उपाध्यक्ष हरिराज सिंह, डॉक्टर जसवंत सिंह, संतोष कुमार, प्रेमराज सिंह, दिलीप महिपाल, राजवीर कन्हैया, अखिलेश, महेश चंद आदि शामिल रहे। इस दौरान भाकियो भानुगुट के जिला उपाध्यक्ष हरिराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, अब लगभग तीन महीने पूरे होने को चले, लेकिन सरकार आदमी से सो रही है। हमने जो ज्ञापन वो है गन्ना मंत्री को दिया है, भाई गन्ना मंत्री किसान परिवार से आते हैं और अपने जितने भी किसान परिवार से हैं आते हैं, उन सबको मिलकर के गन्ने का भाव 500 रुपये घोषित करवाएं। अगर घोषित नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दो, त्यागपत्र दे दो और कोई काम देखेगा। दूसरे, किसानों का करोड़ों रुपये गन्ना समिति में हिस्सा जमा है, उसका आज तक किसी समिति ने किसानों का हिस्से का ब्याज नहीं दिया, तो ब्याज दिलाया जाए। और छोटे किसानों को जैसे समिति बनती 60 क्विंटल उन्होंने मान रखा छोटे किसान, आज के परिप्रेक्ष्य में 200 क्विंटल किसान छोटे किसान की कैटेगरी मान चाहिए। भाई किसी का गन्ना 60 क्विंटल सप्लाई है और 62 भी हो गया तो पूरे 12 फुटा फटेगी, तो वो किसान तो बेकार है। एक पर्ची के लिए आखिर तक बैठा रहेगा, दो पर्ची है उसकी, एक आखिर मारी एक अभियारी, तो बेकार हो गया। और सबसे ज़्यादा समस्या इस समय गोवंश की है, इस सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि उससे किसान भी परेशान, आम जनता भी परेशान। गोवंश को अगर खेतों से निकालो तो वो उस पर हिंसक को घायल कर रहा है किसानों को, और अगर ना निकालो तो वैसे फसल बर्बाद। तो सरकार ऐसी नीति बनावे कि जिससे जो है किसान को भी फायदा हो और गोवंश का छुटकारा हो जाए। और ये हमने मांग करी है कि उस इसका जो फसल नुकसान है इसका छुटकारा दिला करके फसल नुकसान की जो है उसे मुआवजा दिलाया जाए। भाई सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रखंड जाता है आम जनता को भी या उसकी, तो गोवंश इतना हिंसक हो गया है कि कई किसान तो उसने अब तक मार चुके हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर हमने आज SDM को ज्ञापन दिया था। ये सरकार आज की तारीख में किसान के हित में कोई भी काम नहीं कर रही। और इसी के साथ जुड़ा रहा बंधन समाचार के साथ।